गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ विवेकानंद मिश्रा एंड टुडेज टॉपिक इज़ एमिनोरिया। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि एमिनोरिया क्या होता है। तो पहले हम इसके वर्ड को समझते हैं। जो ये एमिनोरिया है, इसका मीनिंग क्या निकलता है? तो मिनोरिया मतलब क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन, और इसके आगे लगा है ए मतलब एबसेंट, मतलब कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एमिनोरिया। तो दोस्तों फ्रेंड्स, वर्ड्स में ही इसकी मीनिंग छुपी हुई है। ए और मेनोरिया दोनों को साथ मिलाते हैं तो एमिनोरिया हो जाता है, जिसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एमिनोरिया लिटरली मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब कि अगर किसी भी डिजीज़ की वजह से या किसी भी डिसफंक्शन की वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है, या किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वजाइना में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है, तो उसे बोलते हैं एमिनोरिया। और ये एक सिम्टम है, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक सिम्टम है जो कि दिखाई देता है, ये कोई डिजीज़ नहीं है। तो फ्रेंड्स, एमिनोरिया होने के कई रीज़न हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया है, इसको डीपली एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो कैसे कैसे वर्क करते हैं, उसकी डिटेल मैंने पिछले वीडियो में दी है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक चीज़ और, अगर एमिनोरिया का आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे एमिनोरिया का पूरा नोट्स दिया हुआ है। तो क्या क्या है? नॉर्मल फीमेल क्रोमोसोमल पैटर्न, मतलब फीमेल क्रोमोसोमल पैटर्न नॉर्मल होना चाहिए। HPO एक्सिस जो है वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, और जो फ्लो ट्रैक्ट है, जेनाइटल ट्रैक्ट है, वो पेटेंसी होनी चाहिए, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। और रिस्पॉन्सिव एंडोमेट्रियम, मतलब जो एंडोमेट्रियम है वो जो हार्मोन्स होते हैं उसको रिस्पॉन्स करे, उसके रिसेप्टर्स उसको रिसीव करे। और एक्टिव सपोर्ट ऑफ थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल मतलब थायराइड ग्लैंड का और एड्रिनल ग्लैंड का प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए, जो कि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसके टाइप्स देख लेते हैं कि एमिनोरिया के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो पहले एमिनोरिया दो टाइप्स के होते हैं, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब अगर फंक्शनल कोई प्रॉब्लम हो गई, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, तो वो हो गया फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया। और पैथोलॉजिकल मतलब किसी भी डिजीज़ की वजह से या कोई पैथोलॉजिक कंडीशन हो गई जिसकी वजह से अगर मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट देखने को मिल रहा है तो उसको पैथोलॉजिकल एमिनोरिया बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया को डीप में देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो इसमें पहला होता है प्राइमरी एमिनोरिया और दूसरा फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया। टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एमिनोरिया और सेकेंडरी एमिनोरिया। तो फ्रेंड्स, नाम से हम देखते हैं, प्राइमरी मतलब वो चीज़ जो पहले आती है और सेकेंडरी मतलब बाद में। प्राइमरी मतलब पहले, सेकेंडरी मतलब बाद में। अगर हम लोग वर्ड्स को ही प्रॉपरली समझते जाएं कि वर्ड्स क्या लिखा है, उसकी मीनिंग क्या निकलती है, तो हमें लर्न करने में या समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्राइमरी मतलब पहले। तो प्राइमरी में क्या होता है? बिफोर प्यूबर्टी, अगर बिफोर प्यूबर्टी वो एमिनोरिया जिसमें कि अभी एमिनोरिया स्टार्ट ही नहीं हुआ, जैसे जो गर्ल है या जो फीमेल है उसका प्यूबर्टी आ तो गया है पर उसका एमिनोरिया अभी एक भी बार उसको मेंस्ट्रुएशन हुआ ही नहीं है, मतलब उसको प्यूबर्टी से पहले ही प्रॉब्लम थी, तभी उसको प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बाद उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ, प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ। तो मतलब प्रॉब्लम कब है? बिफोर प्यूबर्टी से ही उसको प्रॉब्लम थी। तो वो क्या हो सकती है वो देखते हैं, बिफोर प्यूबर्टी क्या हो सकता है। द पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स आर नॉट एडिक्वेट इनफ टू स्टिमुलेट द ओवरियन फॉलिकल्स फॉर इफेक्टिव स्टेराइडोजेनेसिस। मतलब कि जो पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं, जैसे कि FSH और LH, वो इतना एडिक्वेट अमाउंट में नहीं होते हैं या इतना इनफ नहीं होते हैं कि वो
ओवरियन फॉलिकल्स जो होते हैं उसको स्टिमुलेट कर सके कि वो स्टेराइडोजेनेसिस कर सके, मतलब कि जो FSH और LH होते हैं वो इतने एडिक्वेट अमाउंट में या इतने इनफ नहीं होते हैं कि वो ओवरियन फॉलिकल्स जो होते हैं उसको स्टिमुलेट कर सके ताकि वो स्टेराइडोजेनेसिस कर सके। स्टेराइडोजेनेसिस क्या होता है कि ओवरी में जो सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं उसको स्टेराइडोजेनेसिस करते हैं, मतलब। तो ओवरी में जो जैसे कि FSH के स्टिमुलेशन जो फॉलिकल्स ग्रो हो जाता है उसके बाद कई हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज ही नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। या फिर ओवरी FSH हिप या फिर जो गोनेडोट्रोपिन्स हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं वो इतने अमाउंट में नहीं होते हैं कि ओवरियन फॉलिकल्स ग्रो करें, और जब वो ग्रो ही नहीं करेगा तो फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन भी नहीं रिलीज होगा, तो एस्ट्रोजन नहीं रिलीज होगा तो एस्ट्रोजन लेवल आर नॉट सफिशिएंट इनफ टू कॉज ब्लीडिंग फ्रॉम द इंडोमेट्रियम। तो प्रॉपर लेवल का एस्ट्रोजन अगर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगा तो इंडोमेट्रियम से ब्लीडिंग ही नहीं होगी, क्योंकि जो एस्ट्रोजन होता है उसका लेवल जब बढ़ता है तो क्या होता है कि इंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट होता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है, एस्ट्रोजन का ज़्यादा हो जाता है, तो क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो इंडोमेट्रियम को सपोर्ट करता है तो प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया तो इंडोमेट्रियम को सपोर्ट कम मिल गया लेकिन वो प्रोलिफरेट ज़्यादा हो रहा है क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है जिसके वजह से ब्लीडिंग होती है, तो एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया तो ब्लीडिंग ही नहीं होगी तो मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होगा। तो बिफोर प्यूबर्टी ये रीज़न हो सकता है जिसके वजह से जिसे बोलते हैं प्राइमरी एमिनोरिया। दूसरा क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसा क्या होता है जिसके वजह से एमिनोरिया देखने को मिल सकता है। ये बिफोर प्यूबर्टी ये प्राइमरी एमिनोरिया था तो ये मतलब प्यूबर्टी से पहले था तो प्राइमरी था, अभी ये प्यूबर्टी के बाद ऐसा क्या क्या रीज़न हो सकता है जिसके वजह से एमिनोरिया हो सकता है। तो प्रेगनेंसी में एमिनोरिया देखने को मिलता है वो इसलिए क्योंकि जो ट्रोफोब्लास्ट होता है वो इतना ज़्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन और कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स को सीक्रीट करता है। अब ये एस्ट्रोजन का लेवल अगर बहुत कम है तो भी प्रॉब्लम है और अगर बहुत ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। तो जो ट्रोफोब्लास्ट है वो इतना ज़्यादा अमाउंट में कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स क्या होते हैं, SCG का नाम सुने होंगे आप, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम देखने को मिलता है यूरिन टेस्ट में और ब्लड में SCG देखने को मिलता है जिससे पता चलता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है। वही SCG इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है उससे। तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो एस्ट्रोजन और HCG जो होते हैं वो पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स जो कि FSH और LH होता है उसको सप्रेस कर देते हैं, और वो जब FSH और LH सप्रेस हो जाते हैं तो FSH क्या करता है, FSH जब सप्रेस हो गया मतलब कम हो गया तो फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं होगी, फॉलिकल्स स्टिमुलेट नहीं होगा, मैच्योर नहीं होगा, जिससे जब फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होगा फिर एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होगा जिससे इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन नहीं होगा और मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट हो जाएगा। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ये प्रॉब्लम होती है। अब ड्यूरिंग लैक्टेशन कैसे एमिनोरिया कॉज होता है वो देखते हैं, क्योंकि हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हो जाता है तो जो प्रोलैक्टिन होता है वो ओवरियन रिस्पॉन्स को इनहिबिट करता है टू FSH, मतलब कि जो ओवरी में जो FSH के रिसेप्टर्स होते हैं जो उसको रिसीव करते हैं और फिर एक्शन करते हैं उनको इनहिबिट कर देता है, जिससे FSH जिससे वो इनहिबिट हो जाता है तो फिर ओवरी नो फॉलिकुलर ग्रोथ, फॉलिकल्स का ग्रोथ नहीं होगा तो हाइपोएस्ट्रोजेनिक स्टेट हो जाएगा, मतलब एस्ट्रोजन कम हो जाएगा तो इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन ही नहीं होगा और मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होगा। और अगर मदर जो है वो अपने ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही है बेबी को तो मेंस्ट्रुएशन 6 वीक के बाद फिर से वापस आ जाएगा, डिलीवरी के 6 वीक के बाद फिर से उसको मेंस्ट्रुएशन होने लगेगा। फिर ये क्या है,
फॉलोइंग मेनोपॉज, मतलब मेनोपॉज में भी एमिनोरिया देखने को मिलता है, उसमें परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें अब फॉलिकल्स बचते ही नहीं, इतने कैपेबल फॉलिकल्स या जो मैच्योर ऐसे फॉलिकल्स नहीं होते हैं जो कि ओवरीज में गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज होते हैं उसके रिस्पॉन्स में कुछ एक्ट करे। तो ओवरीज में फॉलिकल्स ही नहीं है तो वो ग्रो नहीं करेंगे तो एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन नहीं, रिलीज नहीं होगा, एस्ट्रोजन नहीं होगा तो क्या होगा, तो फिर एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन नहीं होगा और मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। मतलब मेन रीज़न क्या है कि ओवरियन फॉलिकल जो होता है वो ग्रो नहीं करता है, ये सारे हार्मोनल चेंजेस हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। ओवरियन फॉलिकल ग्रो नहीं कर रहा है, एस्ट्रोजन रिलीज नहीं हो रहा है, एस्ट्रोजन नहीं रिलीज होगा तो एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन नहीं होगा। सब में एक यही कॉमन एस्ट्रोजन है FSH और LH है, सब में यही कॉमन है। तो ये था साइकोलॉजिकल रीज़न, साइकोलॉजिकल एमिनोरिया। अब हम देखते हैं पैथोलॉजिकल एमिनोरिया। तो पैथोलॉजिकल एमिनोरिया में क्या होता है, पहले क्रिप्टोमेनोरिया होता है। क्रिप्टोमेनोरिया क्या होता है, क्रिप्टोमेनोरिया को हिमेटोकॉल्पॉस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन तो होता है, सारा काम होता है, जैसे कि इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन भी होता है, ब्लीडिंग भी हुई, मेंस्ट्रुएशन भी हुआ, लेकिन वो किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, जेनाइटल ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो ब्लीडिंग बाहर नहीं आई, वो फ्लो बाहर नहीं आया, आउटफ्लो नहीं हुआ, तो हमें विजिबल मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ ब्लीडिंग का, मतलब जो ब्लीडिंग थी वो अंदर ही रह गई। तो क्रिप्टोमेनोरिया इज ऑल्सो नोन एज हिमेटोकॉल्पॉस इज अ कंडीशन वेयर मेंस्ट्रुएशन ऑकर बट नॉट विजिबल ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। इन क्रिप्टोमेनोरिया देर इज पीरियोडिक शेडिंग ऑफ इंडोमेट्रियम, मतलब इंडोमेट्रियम की शेडिंग भी हो रही है, ब्लीडिंग भी हो रहा है, बट ब्लड फेल्स टू कम आउट फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द पैसेज। अब इसके कॉजेज देखते हैं कि इसके कॉजेज क्या क्या हैं, क्रिप्टोमेनोरिया के कॉजेज क्या क्या हैं। पहला कॉजेज क्या है, कंजेनाइटल मतलब कि जो कि जन्म से ही हो। तो पहला क्या है, इम्परफोरेट हाइमन मतलब कि जो हाइमन होता है फीमेल में, उसकी ओपनिंग ही नहीं हुई है, तो वो वजाइना में एक बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है, जिसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो ब्लीडिंग बाहर ही नहीं आएगी और क्रिप्टोमेनोरिया देखने को मिलेगा। अगला क्या है, ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम, मतलब इसमें जो वजाइना होता है उसमें एक सेप्टम की तरह, एक वॉल की तरह, टिश्यू जो होता है वो वॉल की तरह एक जगह अरेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाता है और ब्लीडिंग नहीं होती है, वो आउटफ्लो नहीं होता है ब्लीडिंग। फिर क्या है, एट्रेसिया ऑफ अपर थर्ड ऑफ वजाइना एंड सर्विक्स, जो वजाइना और सर्विक्स होता है, अपर थर्ड मतलब उसका 1/3 पार्ट, उसमें एट्रेसिया हो जाता है, एट्रेसिया मतलब नैरो हो जाता है, नैरो की वजह से एकदम पतला हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है और फिर ब्लीडिंग में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, मेंस्ट्रुएशन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। फिर क्या है, एक्वायर्ड मतलब कंजेनाइटल जो था वो जन्म से ही था, और ये एक्वायर्ड जो है वो जन्म से नहीं रहता है, वो पैदा होने के बाद, बर्थ के बाद कोई प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टेनोसिस ऑफ द सर्विक्स फॉलोइंग एम्पुटेशन, मतलब जो सर्विक्स है उसमें स्टेनोसिस हो गया, स्टेनोसिस मतलब वहाँ पे नैरोइंग हो जाना और ब्लॉकेज हो जाना, जो सर्विक्स होता है वहाँ पे स्टेनोसिस हो जाता है, तो ये एक्वायर्ड होता है, ये बर्थ के बाद ये प्रॉब्लम हो सकती है। और सेकेंडरी वजाइनल एट्रेसिया मतलब वजाइना में एट्रेसिया हो जाता है, तो सेकेंडरी वजाइनल एट्रेसिया मतलब ये किसी और डिजीज़ की वजह से, किसी और चीज़ों की वजह से वजाइना में अगर एट्रेसिया हो जाता है तो उसको सेकेंडरी वजाइनल एट्रेसिया बोलते हैं, उसके वजह से भी मेंस्ट्रुएशन में जो ब्लीडिंग हो रही है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। फिर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है, एमिनोरिया मतलब यही तो मेन प्रॉब्लम है, जिसमें जो मेंस्ट्रुएशन होता है, जो ब्लीडिंग होती है वो एब्सेंट हो जाती है, तो ये एमिनोरिया देखने को मिलेगा और लोअर एब्डोमेन पेन देखने को मिलेगा।
और रिटेंशन ऑफ यूरिन, मतलब कि अगर अंदर वजाइना में यूरिन, अगर वजाइना में ब्लड इकट्ठा हो रहा है, टिश्यू इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसके वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट पे भी प्रेशर पड़ेगा, जिसके वजह से यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिल सकता है। यूनिफॉर्म ग्लोबुलर मास इन द एब्डोमेन, मतलब एब्डोमेन में ग्लोबुलर मास देखने को मिल सकता है, या फिर बल्जिंग हाइमन, हाइमन बल्ज हो के बाहर आ सकता है। फिर इसका डायग्नोसिस देखते हैं। डायग्नोसिस में क्या, इट कैन ईजिली डायग्नोस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड से इसको ईजिली डायग्नोस कर सकते हैं, जिसमें जो वजाइना है वो पूरा ब्लड से भरा हुआ दिखता है, और क्योंकि वजाइना ब्लड से भर गया तो यूट्रस क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसक जाता है। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, हिमेटोमेट्रा, हिमेटोमेट्रा मतलब एक मेडिकल कंडीशन जिसमें क्या होता है कि जो ब्लड है वो यूट्रस में इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि वजाइना में ब्लड इकट्ठा हो रहा है तो वो यूट्रस में भी, वो ज़्यादा होने की वजह से यूट्रस में भी ब्लड इकट्ठा हो सकता है। हिमेटोसेल्पिंग्स, हिमेटोसेल्पिंग्स में क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें ब्लीडिंग देखने को, मतलब उसमें ब्लीडिंग हो सकता है। और एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जो जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, पूरे जो यूट्रस को लाइनिंग करता है, वहाँ पे जो टिश्यू होते हैं वो टिश्यू बाहर ग्रो कर सकते हैं, जो टिश्यू उसको लाइनिंग करते हैं यूट्रस को, वो बाहर ग्रो कर सकते हैं, दे तो उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि वजाइना में या फिर यूट्रस में ब्लड इकट्ठा हो जा रहा है, तो इसका एक बहुत इजी सा ट्रीटमेंट है कि डायलेट करके, सर्विक्स को डायलेट करके जो ब्लड है उसको ड्रेन आउट कर लिया जाए, उसको बाहर ड्रेन आउट कर लिया जाए। और इन केस ऑफ सेकेंडरी एट्रेसिया, अगर सेकेंडरी एट्रेसिया है वजाइना को, तो उसको क्या करें, उसको सर्जरी के थ्रू पैटेंट कर दें, मतलब रास्ता क्लियर कर दें, सर्जरी के थ्रू वो जो जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव करके पैटेंसी मेंटेन कर दें। तो ये था फ्रेंड्स पैथोलॉजिकल का क्रिप्टोमेनोरिया। अभी पैथोलॉजिकल के दो और टाइप्स हैं, जो कि एक क्रिप्टोमेनोरिया था और एक रियल था है, जिसमें से जिसको प्राइमरी और सेकेंडरी अमेनोरिया भी बोलते हैं, जो कि उस, जो कि अगले वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी इसमें भी था फिजियोलॉजिकल में, जिसका कुछ और मीनिंग होता है, और यहाँ पे जो प्राइमरी और सेकेंडरी है जिसका कुछ और मीनिंग होता है। तो हम आपको क्रिप्टोमेनोरिया तक पढ़ा चुके हैं, और ये पैथोलॉजिकल का जो दूसरा टाइप्स है प्राइमरी और सेकेंडरी, इसको फिर अगले वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।